हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि दोस्तों आपने देखे होंगे, टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियो ऐसे 3D लेटर फेंकने वाले वीडियो आपने, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने फोटो को फेंकने वाले वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कैनवास्ट एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर और वहाँ से बताता हूँ इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। से कैनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इस तरह से आप लेफ्ट साइड को पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, आप यहाँ पे देख सकते, जैसे कि हम यहाँ से लग रहा है कि हमने कुछ फेंके हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके रखना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। और इसके बाद मैंने एक फ़ोटो को PNG में सेव करके रख रखा हूँ, तो आपको भी एक फ़ोटो को PNG में सेव कर लेना है। गूगल पे आपको सर्च करना है remove.bg, और इस वेबसाइट से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी फ़ोटो को PNG में सेव कर सकते हैं। फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको जूम कर लेना है इस तरह से, और सही तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। जब भी वीडियो आप शूट करेंगे तो आपको 50% पार्ट जो है आपको खाली रहना चाहिए। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है और पॉप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और यदि आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है, जो भी टाइपिंग करना चाह रहे हैं टाइपिंग आप यहाँ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर दिया हूँ। कलर पे आना है, जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे एडजस्ट आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एनिमेशन में आता हूँ, इसे मैं पॉप को दे देता हूँ। सब पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो भी बैकग्राउंड में आप म्यूजिक ऐड करना चाह रहे हैं बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, और वीडियो में से वीडियो को आपको क्लिक करना है और इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद ऑडियो को आपको प्रेस करके रखना है, लास्ट तक लेकर आना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।